हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, इस चैप्टर पर एंट्रेंस में एक या दो क्वेश्चंस आते ही है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द फिजिकल केमिस्ट्री। सो स्टार्ट विथ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, द वर्ड इंडिकेट दैट इट कंसिस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, सो वी नो दैट इट इज केमिकल चेंज। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी में जो इंटर कन्वर्शन होता है उसकी स्टडी करने के लिए जो केमिस्ट्री की ब्रांच यूज होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सील। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सील। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सील इज द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड इज वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल। वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल। तो इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, फिर भी इसके बारे में कुछ आइडियाज ले लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ किया जाता है। वो क्या, कहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ किया जाता है। और वोल्टेइक सेल जो है ये अपने ड्राई सेल, जो बैटरीज है, ड्राई सेल है ना, जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज़ किया जाता है, ये अपना वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल है जो ड्राई सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डील्स विद द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ सच सेल्स। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिस सेल इज यूज टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक्सटर्नल बैटरी यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं। और वोल्टेइक सेल में क्या करते हैं, जो ड्राई सेल के अंदर की केमिकल एनर्जी यूज़ करके हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दोनों इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो ड्यू टू होता है चार्ज ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होता है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। किसके वजह से, चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र। तो चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर रहते हैं, तो ये जो कंडक्टर रहते हैं, ये कंडक्टर क्या करते हैं, जो चार्ज है वो फ्लो करते हैं थ्रू इट। सो दीज आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच द चार्ज इज ट्रांसफ़र एंड दिस चार्ज इज नोन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर्स एंड द सब्सटेंसेस आर नोन एज कंडक्टर्स। ओके, सो द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज कंडक्टर्स। तो यहाँ पे कंडक्टर जो रहते हैं, कंडक्टर दो टाइप के रहते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर रहता है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर रहता है या फिर मेटेलिक कंडक्शन होता है, और दूसरा जो रहता है वो
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन रहता है, दूसरा क्या रहता है, एक मेटेलिक कंडक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, एक मेटेलिक कंडक्शन रहता है और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है, मेटेलिक कंडक्शन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है ये थ्रू द मेटल होता है, यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसमें जो अपना कंडक्टर है इसमें कुछ भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है यानी करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वन एंड टू अदर एंड, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव होते हैं, और इसमें इसमें कंडक्टर में किसी भी टाइप का कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, ठीक है, जो जिसकी हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया जाता है और ये कंडक्टर, ये जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी को कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ऐसे दो पोल्स रहते हैं बैटरी के, तो बैटरी के दो पोल्स को ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए जाते हैं। उसमें जब आयंस जनरेट होते हैं, कटायन पॉजिटिव अनायन नेगेटिव, तो ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जब ये चार्ज मूव होते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होता है और उस करंट की वजह से इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, तो इसमें आयंस जो है वो क्या होते हैं, कंज्यूम, जब तक आयंस का मूवमेंट होता है तब तक यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और जब आयंस का मूवमेंट बंद हो गया यानी जब आयंस इसके अंदर के ख़त्म हो गए तो इसका करंट फ्लो होना बंद होता है। मेटेलिक में वैसा नहीं होता, मेटेलिक जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तब तक इलेक्ट्रॉन का एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होता है, मेटेलिक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होते रहता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखें इसमें रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस जो रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है, तो यहाँ पर ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है, इसमें जो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग नेचर जो रहता है सॉल्यूशन, उससे हम उसकी कंडक्टिविटी से हम फाइंड कर सकते हैं कि उसमें क्या होता है, कंडक्शन होता है कि नहीं होता है। जैसे हमने क्या किया, इसमें शुगर का सॉल्यूशन बना लिया, शुगर का सॉल्यूशन बना लिया, ओके, और इसमें से फिर हमने बैटरी को कनेक्ट किया, लेकिन इसमें से क्या नहीं होगा, इसमें से किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिक करंट यानी इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो रह जाएगी। तो इस टाइप के हम सॉल्यूट को बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो सब्सटेंस है या फिर सॉल्यूट है दो टाइप के रहते, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहते जिसमें से किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता यानी कंडक्शन नहीं होता है, दूसरा रहता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के रहते, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के रहते, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ हाई और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ हाई और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें क्या रहती है, हाई कंडक्टिविटी रहती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें लो कंडक्टिविटी रहती है। ओके, तो हम सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस
इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है ये देखते हैं। तो ओम्स ने एक लॉ दिया है जिसका नाम जो है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इससे ये वोल्ट क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एम्पियर करंट, ठीक है, ये यूनिट है, और इसका यूनिट जो है रेजिस्टेंस का ओम है। ठीक, क्योंकि ये ओम्स लॉ ने डिनोट किया डिटरमाइन किया है रेजिस्टेंस, तो इसलिए इसका यूनिट ओम रखा है। और जो कंडक्टेंस रहता है, कंडक्टेंस जी, जी इज़ द कंडक्टेंस विच इज़ द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जी का ओम इनवर्स हो जाएगा। और हमें पता है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इन टू यल अपॉन ए। तो रो इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इन टू ए अपॉन यल। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, वी वोल्ट आई करंट एम्पियर। तो ये आर का जो रेजिस्टेंस का यूनिट रहता है वो ओम रहता है, जी जो रहता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, तो उसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू आर इन टू ए, ऊपर चला जाएगा ए अपॉन एल, तो ये हो जाएगा ओम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। अगर हमने ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1 रख दी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन एरिया ऑफ कंडक्टर इज यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज यूनिट सेंटीमीटर। ओके, सो सिमिलरली हम बात करेंगे जी की। तो जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए है, तो कंडक्टेंस क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल। तो इसका जो कांस्टेंट रहता है वो क्या रहेगा, कप्पा ए अपॉन एल। ओके, सो जी इज इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और k इज इक्वल टू जी पता है 1 अपॉन आर रहता है इन टू एल अपॉन ए, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, और ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इसको क्या डिफाइन किया जाता है, कंडक्टिविटी को डिफाइन किया जाता है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्ज आयंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्ट द करंट व्हेन ट्रैवल थ्रू 1 सीसी मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या है इसका डेफिनेशन कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ चार्ज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट व्हेन ट्रैवल थ्रू 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब ये चार्ज आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन से पास होते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं तो वो हो जाती है उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हो गई कंडक्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपली कंडक्टिविटी। ओके, सो फिर आती है मोलर कंडक्टिविटी की बात, मोलर कंडक्टिविटी
तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट किया जाता है और मोलर कंडक्टिविटी को लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो रहती है वो रहती है वन मोल ऑफ आयंस कंडक्ट करंट वेन पास थ्रू और ट्रैवल थ्रू गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितना भी वॉल्यूम दिया है उतने वॉल्यूम से जो वन मोल आयंस ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करते वक्त वो क्या करेंगे, वन मोल चार्ज आयंस ट्रैवल करेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेंगे। तो दैट कंडक्टिविटी इज़ नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। तो सपोज़ ये 1 cm³ वॉल्यूम है, ठीक है, 1 cm³ वॉल्यूम है और ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है सपोज़ 4 times ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, जितना भी टाइम ज़्यादा रहेगा तो हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वी इंटू के। तो ये के रहेगा, ये भी के रहेगा, यानी गिवन वॉल्यूम में जितना भी सेंटीमीटर क्यूब रहेगा उतना क्या रहेगा, कंडक्टिविटी रहेगा। तो हम वॉल्यूम से के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेंगी, मोलर कंडक्टिविटी। और हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू एन अपॉन सी रहता है। और यहाँ पे वन मोलर बोला है, ठीक है, वन मोल्स, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन की वैल्यू वन रहेगी, यानी वी की वैल्यू 1/C। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है, मोल्स पर लीटर, यानी 1/C। वॉल्यूम क्या रहेगा, यहाँ पे इसका यूनिट लीटर पर मोल क्या रहेगा, लीटर पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के अपॉन सी। तो ये लीटर में, लीटर का हम इसमें सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लीटर पर मोल है, ठीक है, यहाँ पे लीटर पर मोल है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो गया अपना मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ओके, मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ पे फॉर्मूला हमें मिल गया। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा इसका, तो यहाँ पर ये लीटर हो जाएगा, सी मोल्स पर लीटर, तो 1/C लीटर पर मोल। ओके, तो ये 1000, ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय मोल्स, और के का यूनिट क्या अभी देखा हमने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स पर मोल, यानी मोल इनवर्स। तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। देखो, जैसे हम सॉल्यूशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करेंगे, जैसे हम सॉल्यूशन का
डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो उसके नंबर ऑफ आयंस जो क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ आयंस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जितने ज़्यादा चार्ज आयंस बनेंगे उतने ज़्यादा वो क्या करेगा, हाँ कंडक्शन, उतना ज़्यादा वो कंडक्शन शो करेगा। यानी उसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, डाइल्यूशन के हिसाब से, डाइल्यूशन के कारण उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएंगी। यानी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ चार्ज आयंस फ्लो थ्रू द सोल्यूशन एंड कंडक्ट द करंट। सो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, डाइल्यूशन से बढ़ती जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, सो कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये अप्लीकेबल है सिर्फ किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी के। क्यों, अपनी कंडक्टिविटी के लिए क्यों नहीं है? तो कंडक्टिविटी में क्या होता है, कंडक्टिविटी इट इज़ अप्लीकेबल टू 1 cc ऑफ सोल्यूशन, 1 cc वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी हमने डाइल्यूशन कर दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ेगा एज कम्पेयर टू द आयंस। यानी जितने आयंस नहीं डिसोसिएट होंगे उतने ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज इज द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा नंबर ऑफ आयंस कम बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस जो है पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि विथ डाइल्यूशन क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना, विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिस प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस प्रोपोर्शन में यहाँ पर आयंस नहीं बढ़ेंगे, उस प्रोपोर्शन में आयंस नहीं बढ़ेंगे। यानी पर सेंटीमीटर क्यूब जो आयंस रहेंगे वो कम रहेगा, यानी उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बट मोलर कंडक्टिविटी क्या रहती है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो रहती है वो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है, जितना भी वॉल्यूम बढ़े उससे कुछ लेना देना नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा तो हम बोलेंगे कि विथ डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सो देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। तो देखो डाइल्यूशन से क्या हो रहा है, डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है ना, तो कंडक्टिविटी ये 1 cm³ वॉल्यूम में रहता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ चार्ज आयंस बढ़ते जाएंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएंगी। लेकिन कंडक्टिविटी के केस में क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन जितने प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है उतने प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट होना नहीं बढ़ेंगी, इसलिए उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, सो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती है और मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती है, यानी वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो उसका डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाती है।
सो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कोरलास ने बनाया है। तो इसने क्या बताया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इजीली डिसोसिएट होता है, इजीली डिसोसिएट होता है तो डाइल्यूशन के बाद वो इजीली डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो उस पर उसने लॉ बनाया है कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या रहती है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ए इंटू स्क्वेयर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द लॉ स्टेटेड बाय द कोरलास। ओके, सो उसने क्या बताया कि ए इज द कॉन्स्टेंट, ए क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो उसने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसने ग्राफ प्लॉट किया और उसने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना डिसोसिएट होता है उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, लीनियरली उसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है विथ डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है, डाइल्यूशन करने पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी रहती है उसको उसने नाम दिया लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। तो ये हो गई इसकी मोलर कंडक्ट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी जो रहती है एट अ ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स क्या है, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे सॉल्यूशन को, जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब डाइल्यूशन करने के बाद भी उसकी मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, दैट कंडक्टिविटी इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ जो है लीनियरली वेरी होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है डिसोसिएट इजीली नहीं होते हैं, ये क्या नहीं होते, इजीली डिसोसिएट नहीं होते, तो ये ज़ीरो वैल्यू पे, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे पहुँचती ही नहीं है, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं पहुँचते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सपेरिमेंटली हम क्या नहीं कर सकते, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर इसने बताया, कोरलास ने बताया कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी रहती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसने बताया कि जो आयंस रहते हैं, कोरलास ने क्या बताया, कोरलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, कोरलास ने एक लॉ बनाया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी जो आयंस माइग्रेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कटायंस का माइग्रेशन इंडिपेंडेंट रहेगा, वो अनायन पे डिपेंड नहीं करेगा, और अनायन का भी जो माइग्रेशन है वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन टोटल जो मोलर कंडक्टिविटी रहती है,
total molar conductivity at infinite dilution is the algebraic sum of the molar conductivity of cations and molar conductivity of anions at infinite dilution. So these are the number of cations, number of anions, and this is the molar conductivity of cations and this is the molar conductivity of anions. तो उसने बताया कि जो migration of ions रहते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, कटायन अनायन पे डिपेंड नहीं रहता है और अनायन कटायन पे डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन उन सब का कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड द मोलर कंडक्टिविटी एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, टुवर्ड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, समझ में? ठीक है, तो ये जो रहता है, अगर हमें KCL का, सपोज KCL इज द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन KCL की जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो यहाँ पर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये एक दूसरे पर इसकी माइग्रेशन डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन इसकी KCl की जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज़ द अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायंस एंड द अनायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अगर हमें BaCl2 या फिर BaCl2 का निकालना है, BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस आयन प्लस 2Cl रहेगा, तो 2 into λ0 Cl माइनस. ओके, सो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2. अगर हमें यहाँ पर दिस थ्योरी, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, तो इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, इट इज यूज टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी, it is used to find molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution या फिर zero concentration. तो जैसे हम experimentally क्या नहीं कर सकते, जैसे हम experimentally अभी देखा कि हम weak electrolyte का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अगर हमें एसिटिक एसिड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो हमें अगर HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सोडियम एसीटेट ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनका यूज़ करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो लैम्डा नॉट वैल्यू किसकी, लैम्डा नॉट वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड हम फाइंड कर सकते हैं. तो एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं. तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हमने इन तीनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया, सपोज हमने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, माइनस कर दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इस लॉ के हिसाब से क्या होगा, तो इसका बन जाएगा लैम्डा नॉट एच प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस. ओके, और इसका क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na+ बन गया, और इसका क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा नॉट Na+ माइनस लैम्डा नॉट Cl-. ओके, तो ये क्या होगा, प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ओके, और ये Na प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ इक्वल टू क्या बन गया, ये लैम्डा नॉट एच प्लस लैम्डा नॉट
CH3COO माइनस, यानी कटायंस ये अनायंस, तो इसका बन जाएगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। तो इसमें हमें इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टिविटी पता है तो उससे हम एसिटिक एसिड जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोरलस लॉ। ओके, तो हम बात करेंगे अभी मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा ही क्यों, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसलिए हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अल्फा जो रहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कितने में से कितना डिसोसिएट हुआ, कितने में से कितना डिसोसिएट हुआ। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसमें पूरा का पूरा डिसोसिएशन होगा। ओके, पूरे के पूरे आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उनकी कंडक्टिविटी हाइस्ट रहेगी और एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, सो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस, सो इट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और एक फार्मूला भी बनता है, कौन सा फार्मूला बनता है, सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ए डिसोसिएट हुआ एट इक्विलिब्रियम पे, ए प्लस और बी माइनस फॉर्म होता है। तो सपोज ये वन है तो ये अल्फा डिसोसिएट होगा, ये अल्फा, ये इनिशियली क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। सपोज ये वन में से, ओके, तो ए बी जो है ए बी डिसोसिएट होगा ए प्लस और बी माइनस में, तो वन इनिशियली इसका वन मोलर है, ये ज़ीरो रहेगा, ये भी ज़ीरो रहेगा। जब इसमें से अल्फ़ा कम होगा तो ये अल्फ़ा फॉर्म होगा और यहाँ पे भी अल्फ़ा फॉर्म होगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, या फिर हम कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फ़ा कर सकते हैं, सी अल्फ़ा और ये भी सी अल्फ़ा, ठीक है। तो सी अल्फा और यहाँ पर वन माइनस अल्फ़ा इंटू सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या फार्मूला मिल जाएगा, के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप्स के रहते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ा आज हमने, ठीक है, दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल। फिर इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से रहता है, तो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर कंडक्शन जो रहता है, कंडक्शन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कंडक्टेंस जो होता है, दो टाइप से कंडक्शन किया जाता है, एक तो मेटल से, मेटल से कंडक्शन होता है, यानी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मूव होते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में क्या होता है, तो जो चार्ज आयंस रहते हैं, चार्ज आयंस मूव करते हैं, तो इसमें दो टाइप के सोल्यूट रहते हैं, एक जो रहता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला रहता है, जो पानी में डालने पे, पानी में डिजोल्व होने पर क्या नहीं होता, उसका आयंस फॉर्मेशन नहीं होता, यानी चार्ज आयंस मूवमेंट नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। जैसे शुगर सोल्यूशन, सुक्रोज का सोल्यूशन, यूरिया का सोल्यूशन, इनकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। और दूसरे टाइप का जो रहता है इलेक्ट्रोलाइट रहता है, दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोलाइट,
वो जब डिजोल्व होता है तो आयन्स फॉर्मेशन होते हैं और अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ वो ट्रैवल करते हैं। जब वो ट्रैवल करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो उनकी जो टेंडेंसी रहती है यानी मूवमेंट की यानी कंडक्टिविटी करने की, अगर हायर कंडक्टिविटी है तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, अगर लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सॉल्यूशन में कैसा रहता है, तो ओम्स लॉ यूज़ करके हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो रहता है वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी वोल्टेज अपॉन करंट रहता है, उसका यूनिट ओम रहता है। जी जो रहता है कंडक्टेंस, वो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, उसका यूनिट ओम इन्वर्स रहता है। तो इससे हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है। तो उससे हम रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी का हमें यहाँ पे काम नहीं है, हमें यहाँ पे कंडक्शन देख रहे हैं, तो हम इसका कंडक्टेंस का देखेंगे। तो जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल, क्योंकि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहता है, तो हमें ए अपॉन एल इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो हमें जी इज़ इक्वल टू के इन टू ए अपॉन एल, तो के इज़ इक्वल टू जी इन टू एल अपॉन ए होगा, और के इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू वन अपॉन आर रहती है, तो उससे हमें इसका यूनिट मिल जाता है कंडक्टिविटी का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसका दूसरा भी यूनिट रहता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या रहता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी या फिर उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो रहती है नंबर ऑफ चार्ज आयंस, ओके, नंबर ऑफ चार्ज आयंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन ट्रैवल थ्रू द 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, 1 cm³ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो 1 cm³ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो दूसरा जो टर्म है वो है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी, 1 mole ऑफ आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पास थ्रू गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जितना भी वॉल्यूम्स है, जितने भी वॉल्यूम्स है 1 mole ऑफ आयंस ट्रैवल करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो हम इससे बता सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वी इंटू के, कंडक्टिविटी वी इंटू कंडक्टिविटी। ठीक है, तो 1 cm³ में अगर कंडक्टिविटी के है तो गिवन वॉल्यूम में क्या रहेगा, जितने भी गिवन वॉल्यूम रहेंगे, जितने भी 1 cm³ रहेंगे मल्टीप्लाई बाय के करेंगे, तो टोटल इसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएंगी। तो वॉल्यूम जो रहता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है, तो हमारा V का वैल्यू बन जाएगा 1/C। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी K/C। तो K/C, सी जो है लीटर मोल पर लीटर है, यानी लीटर पर मोल 1/C हो जाएगा, तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 1000 इनटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसका यूनिट जो बनता है वो बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन मोल इनवर्स, ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, यानी जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, लेकिन पर सेंटीमीटर जो है वो उसके आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि विथ डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपली कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो रहती है, तो डाइल्यूशन करने से जो 1 mole है वो डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस गिवन वॉल्यूम में बढ़ेंगे, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर कोरलास ने लॉ बनाया वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन, तो उसने एक ग्राफ प्लॉट किया मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो उसने देखा कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ये लीनियरली वैरी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीनियरली वैरी कर रहा है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा उसका जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी वो लीनियरली बढ़ते जाता है, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो
हाईएस्ट वैल्यू पे, यानी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन वो हाईएस्ट वैल्यू पे, यानी वो इस ज़ीरो वैल्यू से मर्ज होता है, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो हाईएस्ट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एकदम स्लो 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 डिसोसिएट होगा, और ये कहाँ पे नहीं पहुँचता, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं पहुँचता है। इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, इसका फॉर्मूला बताया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, ये फार्मूला बताया। तो हम प्रैक्टिकली हम कांस्टेंट दिया रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू और मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उससे हम किसी भी सॉल्यूशन की यानी किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं कि कोरोलास लॉ तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस रहते हैं, तो सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर आयंस इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका यूज़ करके हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और इसका यूज़ करके हम मोलर कंडक्टिविटी एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इसका रिलेशन भी लगा सकते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और अल्फा के बीच में, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज सेशन। तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कंडक्टिविटी सेल क्या रहता है और उसके एप्लीकेशंस क्या रहते हैं। ओके।